हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। देख रहे हैं ना, ये हमने बनाया है ऑमलेट, लेकिन घबराइए नहीं, ये अंडे वाला ऑमलेट नहीं है, बिना अंडे से बनाया है ऑमलेट। बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल स्ट्रीट ऑमलेट की तरह, जैसे स्ट्रीट फूड मिलता है ना ऑमलेट। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी से आप बिना अंडे का ऑमलेट बनाना। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये ऑमलेट बिना अंडों का आपका कैसा बना। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बिना अंडे का ऑमलेट बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आधा कप बेसन, 1/4 कप मैदा, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें बहुत जरूरी है डालना, तभी बिल्कुल मार्केट जैसा, वो ठेले पे जैसा ऑमलेट मिलता है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा। 1/2 टीस्पून डाल देते हैं इसमें नमक और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। ड्राई चीजों को हमने देखिए अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी लगभग हमारा इसमें 1 से 1.5 कप पड़ेगा। हमें बिल्कुल पतला घोल इसका बनाना है, क्योंकि अगर हम गाढ़ा घोल कर देंगे तो ये फिर चीला जैसा लगने लगेगा और हम चीला नहीं बना रहे, हम ऑमलेट बना रहे हैं बिना अंडे का। अभी मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको लम्स फ्री बिल्कुल एक घोल हम बनाएंगे, बिल्कुल पतला घोल। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और इसको मिला दीजिए। आधा कप पानी डाला था, अब आधा कप पानी हम इसमें और डाल देते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने पानी की जरूरत और पड़ेगी और फिर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से बिल्कुल घोल लिया है और मैं दिखा देती हूँ इसमें एक भी लम्स नहीं होगा और इतना पतला घोल हमें बनाना है। देखिए कितना आराम से गिर रहा है, गाढ़ा बिल्कुल मत करिएगा वरना ये चीले की तरह लगने लगेगा। ये देखिए कितना पतला है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा प्याज, 2 हरी मिर्च हमने काट के रखी है और आप चाहिए तो हरा धनिया भी डालिएगा इसमें। मेरे पास इस समय हरा धनिया नहीं है तो मैं हरा धनिया को इस समय स्किप कर रही हूँ। अब गैस पे हमने चढ़ा दिया है एक पैन और पैन को हम गरम कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि नॉनस्टिक पैन में ही आप ऑमलेट को बनाएं, आंच को बहुत तेज मत करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर, आप चाहिए आप घी में बना सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बटर में बना रही हूँ। बटर को मेल्ट हो जाने देते हैं। बटर हमारा देखिए मेल्ट हो गया है और अब इसमें हम 1 कलछी के करीब इसमें हम अपना बटर डाल देते हैं और इसको हम इसी तरह से पैन को हिलाते हुए हम इसको फैलाएंगे। इसमें हम चम्मच या कलछी बिल्कुल नहीं लगाएंगे और इसको अभी हम मीडियम आंच पे ही थोड़ा सा नीचे से कुक होने देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा, बिल्कुल जैसे ऑमलेट होता है ना ठेले वेलों पे बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा बबल्स आने लगे हो। ये देखिए सिक रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ रहा है। एक बार जरूर से इस तरह का ऑमलेट ट्राई करिएगा, बच्चों को आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा और बबल्स आ जाए फिर हम इसको एक बार पलट के सेकेंगे। नीचे से हमारा ऑमलेट हमें लग रहा है बिल्कुल सिक चुका है। अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर और अब इसे हम हल्के हाथों से स्पैचुला फंसाते हुए इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऑमलेट बनके हमारा तैयार हुआ है बिना अंडे के। हम जो इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, उससे बिल्कुल ये ऑमलेट का टेक्सचर आता है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया पड़ा होता तो ये बहुत ही अच्छा लगता। आप जरूर से हरा धनिया इसमें ऐड करिएगा
और ये लीजिए हमारा बिना अंडे का ऑमलेट बनके रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। और अब हम अपना दूसरा ऑमलेट बना के रेडी करते हैं। एक हमने ये बिना ब्रेड का बनाया है, अब दूसरा मैं आपको ब्रेड वाला बना के दिखाती हूँ। फिर से आप पैन में बटर डालिए। आंच को हमने अभी लो कर दिया है क्योंकि गैस हमारी अभी तेज पे थी। अब फिर से हम इसमें अपना वो बैटर डालते हैं, एक से डेढ़ चम्मच आप डाल दीजिए। और इसको इसी तरह पैन पे ही फैलाते हैं, पैन से ही हम इसको फैलाएंगे, इस पे बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं लगाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल ऑमलेट की तरह। अब इस पे हम लगा देते हैं एक ब्रेड और थोड़ा सा हम इसको नीचे से सिक जाने देते हैं। अब हम साइड से ऑमलेट को अपना ब्रेड के ऊपर पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी है बिना अंडों का ऑमलेट। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। एक मैंने देखिए बिना ब्रेड का बना के दिखाया और एक मैंने ब्रेड लगा के बना के दिखाया आपको। रेसिपी कैसी लगी जरूर से बताइएगा मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।